गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर 1 करवाया था, ठीक है? तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका होमवर्क बता दूंगी कि आपको एज अ होमवर्क क्या करना है, ठीक है? देखो, इस मॉडल टेस्ट पेपर 1 में हमने जो किया है वो चैप्टर नंबर 1-7 किया है, ठीक है? मतलब चैप्टर नंबर 1-7 का रिविज़न है इसमें, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट पूछा है आपसे टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन योर मदर एंड फादर इज कॉल्ड, यानी कि आपके मम्मी और पापा में जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब जो रिश्ता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं। मम्मी पापा का जो रिश्ता है वो आपस में क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है? पति पत्नी है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैज़ अ हियरिंग डिसेबिलिटी, यानी कि जिनको हियरिंग मतलब सुनना, तो जिसको सुनने में डिसेबिलिटी होती है, यानी जो सुन नहीं पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डेफ, ठीक है? हिंदी में कहते हैं बहरा और इंग्लिश में कहते हैं डेफ। थर्ड है विच ऑफ दीज कैन बी पिच्ड एंड फोल्डेड ईजली, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोग दबा कर और फोल्ड कर सकते हैं? तो वो है टेंट। मैंने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे हाउसेस के बारे में, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग टेंट को जहाँ मर्जी चाहें वहाँ लगा सकते हैं, और फिर जब हमारा रेस्ट कम्प्लीट हो जाए तो हम उसको फोल्ड कर अपने बैग में रख कर जा सकते हैं वहाँ से, फिर जहाँ हमें रेस्ट करना हो वहाँ उसे खोल सकते हैं। तो टेंट एक ऐसा है जिसे कि हम लोग फोल्ड करके रख सकते हैं। फोर्थ है विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी संस्था है जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, यानी कि जो बच्चों से जो काम करवाया जाता है उसके खिलाफ है? तो वो है हमारी कौन सी? तीनों, क्राई भी है, ILO भी है और यूनिसेफ भी है। इसलिए आपको डी ऑप्शन लिखकर ऑल पर टिक करना है, ठीक है? ये आपको ऐसा ही करना है, मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था। फिफ्थ है विच फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क, कौन सा खाना ऐसा है जिससे हमें एनर्जी मिलती है खेलने की और काम करने की? तो वो है मिल्क एंड चपाती, क्योंकि मिल्क एंड चपाती दोनों क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। तो एनर्जी गिविंग फूड को ही तो जब हम लोग खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, और हमें एनर्जी मिलेगी तो हम लोग अपना वर्क कर पाएंगे और हम लोग खेल पाएंगे, ठीक है? सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। इसमें देखो क्या है, फर्स्ट पूछा है पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स फुल्ली आर नोन एज, यानी कि ऐसे लोग जो अपना सेंस ऑर्गन को अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं डिफरेंटली एबल, या फिर हम उन्हें कहते हैं स्पेशल पीपल, ठीक है? जिनको दिखने में प्रॉब्लम हो, या जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो, या जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो, या फिर जिनको चलने में प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? स्पेशल पीपल कहते हैं, ठीक है? या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं, ठीक है? सेकेंड है द डैश ऑफ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड पाम लीव्स, कच्चा हाउस की कौन सा हिस्सा होता है जिसको हम स्ट्रॉ या फिर पाम लीव से बनाते हैं? तो वो होता है कच्चा हाउस के रूफ्स, रूफ्स मतलब छत, ठीक है? थर्ड है शुगर पोटैटोज जैम केक्स एक्सेट्रा आर अ रिच सोर्स ऑफ, ये इन सब में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है? ये मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि शुगर में, पोटैटो में, ठीक है, मतलब कि चीनी में, आलू में, जैम में, केक में क्या होता है? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फोर्थ है डैश इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू रन अवन एंड टोस्टर, अवन और टोस्टर को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? बिजली से ही ये दोनों चीज़ें चल पाती हैं और हम लोग अपना जो भी हम खाना बना रहे हैं वो बना पाते हैं। फिफ्थ है डैश इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज मेनली इन डेजर्ट, ऐसा कौन सा पेड़ है जो रेगिस्तान में ही उगता है? तो वो है कैक्टस वाला प्लांट, है ना, जो कांटेदार जो पेड़ होता है उसको हम कैक्टस का प्लांट कहते हैं, और वो रेगिस्तान में ही उगता है क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, और जो ये जो कैक्टस प्लांट है ये बिना पानी के ही उग जाते हैं या कम पानी में ही उग जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट है मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज रेस्पेक्ट द नीड्स ऑफ ईच अदर, जो जॉइंट फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे की चीज़ों इन एक दूसरे की ज़रूरतों की इज्जत करते हैं, बिल्कुल सही, तो हमने लिख दिया टी। सेकंड है कारवांस टेंट्स हाउस बोट्स आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस,
नो, ये सब तो कच्चा हाउसेज हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया फॉल्स। थर्ड है, मैनी स्पाइसेस आर यूज्ड एज मेडिसिंस फॉर सर्टेन डिजीजेस, यानी कि बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जिनको हम लोग दवाई के तौर पे खाते हैं कई बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है, या फिर कई बीमारियों से निकलने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था, तो ये है ट्रू। फोर्थ है, फूड आर कुक्ड ओनली इन एल्यूमिनियम और स्टील वेसल्स, यानी जो खाना होता है उसको हम या तो एल्यूमिनियम के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही बना सकते हैं, तो ये है फॉल्स। फिफ्थ है, ऑल प्लांट्स कैन ग्रो इधर इन वाटर और ऑन लैंड, जो सारे प्लांट्स होते हैं वो या तो पानी में उग सकते हैं या फिर ज़मीन पर उग सकते हैं, तो ये ट्रू है, इसलिए हमने लिख दिया टी। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल को हमने मैच किया किससे, अनेबल टू वॉक से, यानी कि वो चल नहीं पाते हैं। सेकेंड है रैट्स, रैट्स को हमने मैच किया किससे, पेस्ट से, ठीक है, ये पेस्ट कहलाते हैं। थर्ड है समोसा, समोसा को हमने मैच किया फ्राइंग से, क्योंकि समोसा को फ्राई करके खाते हैं। फोर्थ है क्रीपर, क्रीपर को हमने मैच किया किससे, वाटरमेलन से, ठीक है, क्रीपर्स क्या होते हैं, जो ज़मीन के सहारे नीचे नीचे ही उगते रहते हैं, जो पेड़ खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके वीक स्टेम्स होते हैं इसलिए वो नीचे ही उगते रहते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है वाटरमेलन। फिफ्थ है क्लाइंबर, क्लाइंबर वो पेड़ होते हैं जो दूसरे पेड़ या दूसरे दीवार के सहारा से खड़े रहते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल है मनी प्लांट, तो ये हो गया। नेक्स्ट है ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैंने आपके लिए, देखिए ये नोटबुक में कर रखा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हेन डू फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर, फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर यानी एक साथ कब होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस, जब हमारे कोई फैमिली में फंक्शन हो, या फिर कोई फेस्टिवल यानी कि त्यौहार हो, या फिर वेकेशंस पे जब हम लोग जाते हैं तभी हम लोग फैमिली मेंबर्स एक साथ मिल पाते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी हेल्प ओल्ड पीपल, हम बुज़ुर्ग लोगों की, जो बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, वी कैन हेल्प ओल्ड पीपल बाय, कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो फर्स्ट है गिविंग देम मील्स या फिर मेडिसिंस एक्सेट्रा, यानी कि उनको खाना देकर, उनको दवाइयाँ देकर। सेकेंड है स्पेंडिंग सम टाइम विद देम, उनके साथ कुछ समय बिता कर। थर्ड है गिविंग देम लव एंड केयर, उनको प्यार देकर और उनको उनकी केयर करके, है ना, उनकी देखभाल करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। थर्ड है वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, तो हमने लिखा वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर की ज़रूरत होती है ताकि हम उसमें रह सकें। इट कीप्स अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, जो घर होता है वो हमें सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ वो हमें बचाता है किससे, हर तरह के खतरों से, ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स से हमें बचाता है। फोर्थ है नेम एनी थ्री ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग फॉर चिल्ड्रन, तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, ऐसे संस्था बतानी है जो कि बच्चों के खिलाफ, यानी कि जो बच्चों के लिए, जो चाइल्ड लेबर होता है उसके खिलाफ काम करता है, या फिर आप कह सकते हो कि बच्चों के लिए काम करता है। बच्चों के लिए कौन कौन से काम करते हैं, CRY, CRY, ILO एंड UNICEF, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, तो हमने आंसर लिखा प्लांट्स गिव्स अस फूड, फाइबर, वुड, पेपर, मेडिसिंस, शेड, फ्रेश एयर एंड मेनी अदर थिंग्स, सो दे आर यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमें खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं ना, रेशा देते हैं, लकड़ी देते हैं, पेपर देते हैं, मेडिसिंस मतलब दवाइयाँ देते हैं, शेड मतलब छाया देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, ठीक है, ताज़ी हवा देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, इसलिए प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसमें मैंने आपको टिक द करेक्ट आंसर भी बताया, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बताया, ट्रू फॉल्स भी बताया, मैच द फॉलोइंग भी बताया, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी बताया। तो आई होप आपको ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर समझ में आ गया होगा, तो मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर रही हूँ, उसमें से देखकर आप लोग अपना होमवर्क पूरा मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट EVS की क्लास में पूछ लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए और आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, बाय।